मतगणना पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का जो चुनाव है बहुत ही अच्छे से मतगणना चल रही है और 51 बूथ हैं लगभग, अभी 15 बूथ का हुआ है। तो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 2:30 बजे रात तक परिणाम आएगा और कंप्लीट होगी मतगणना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन में, आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना यूनिवर्सिटी में जो छात्र संघ की आज वोटिंग हुई है उसकी जो गणना है वो 8 कॉलेज में हो रही है पटना के। जी आप बता दें कि इसको जायजा लेने के लिए जो पटना के DM हैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह पहुंचे थे और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो किस तरह से पटना जो 8 कॉलेज है वहाँ पर उन्होंने जायजा लेने के लिए पहुँचे। और जब उनसे जायजा लेकर वो निकले तो जब उनसे बात किया गया तो उनसे उनका साफ तौर पर कहना है कि वोटिंग की जो काउंटिंग है वो निष्पक्षता से चल रही है। और उनसे जब पूछा गया कि जिस तरह से पटना कॉलेज में माहौल बन गया था वोटिंग के बाद, तो उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। मतगणना पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का जो चुनाव है बहुत ही अच्छे से मतगणना चल रही है और 51 बूथ हैं लगभग, अभी 15 बूथ का हुआ है। तो हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि लगभग, उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 2:30 बजे रात तक परिणाम आएगा और कंप्लीट होगी मतगणना। बहुत ही अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से, पारदर्शी ढंग से चल रही है। सभी कैंडिडेट या उनके जो अभिकर्ता हैं, पोलिंग एजेंट हैं, मतगणना अभिकर्ता हैं, वो हैं उनके सामने प्रॉपर वीडियोग्राफी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना चल रही है। नहीं, वो हम लोग अभी कर रहे हैं, अभी हम लोगों का कंसंट्रेशन मतगणना पर है, उसको शांतिपूर्ण संपन्न कराने पर है। बाकी फॉलो अप एक्शन जो है वो होगा, हम लोग करेंगे उसको अलग से। और यहाँ 5 पदों के लिए चल रही है और जो काउंसलर का था आपका वो लगभग कंप्लीट है, लेकिन रिजल्ट एक साथ सब घोषित होता है तो सभी पदों की जब हो जाएगी तो उसके बाद घोषित किया जाएगा। अभी 5 पदों की अलग अलग काउंटिंग हाल में मतगणना अच्छे से चल रही है। नहीं, जुलूस वगैरह निकालने की अनुमति नहीं है और बता भी दिया गया है, और जो कैंडिडेट रहेंगे उनको भी बता दिया जाएगा जो विजयी होंगे, सर्टिफिकेट जब दिया जाएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के, उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो माहौल बना है उस पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जो मतगणना हो रही है वो अच्छी तरह से चल रही है। और आपको बता दें वहीं कि जो रात तक काउंटिंग की बात चल रही है, करीबन उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 बजे तक काउंटिंग होगी और जो वोटों का जो रिजल्ट है वो कल तक सामने आ जाएगा। और वहीं बात करें तो उनसे जब पूछा गया कि जो चुनाव के बाद अगर जीत के निकलते हैं जो छात्र वो जुलूस वुलूस निकालते हैं तो क्या उस पर पाबंदी रहेगी, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह का जुलूस नहीं निकालना है। और वहीं बात करें तो जो पटना यूनिवर्सिटी में जो छात्र का चुनाव हुआ था सुबह 8 से 2 बजे तक चला था, उसके बाद जो वोटों की गिनती है वो पटना के 8 कॉलेज में होना है। और इसी को लेकर जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ 8 कॉलेज में उसकी काउंटिंग चल रही है, वहीं डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फोरनेशन के साथ। नमस्कार।